यस फ्रेंड्स, नेटिजंस क्रीट इंटरनेशनल प्रेजेंट्स अ यूनिक प्रोजेक्ट इन फ्रंट ऑफ अस। हम सभी के समक्ष एक शानदार प्रोजेक्ट को प्रस्तुत किया गया है नेटिजंस क्रीट इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा। मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों दाबैंक के ओरिएंटेशन सेशन पे। हमारे समक्ष यहां पर हम चर्चा करने जा रहे हैं एक शानदार प्रोजेक्ट की। और दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट के विषय में चर्चा करते हैं, कभी बात जब शुरू करते हैं, शुरुआत होती है किसी प्रोजेक्ट की, तो हमारे मन में कई तरह की बातें आती हैं। मैं उन कुछ एक बातों को, कुछ बिंदुओं को साफ करना चाहूंगा। क्या ये प्रोजेक्ट किसी नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड है? क्या इसमें प्रोडक्ट परचेज करना होता है या सेल करना होता है, या इसमें कहीं किसी प्रकार से कोई मनी लॉन्ड्रिंग की बात आती है, कोई रिस्क की बात होती है, या कुछ लाइबिलिटीज हैं? तो दोस्तों, किसी प्रकार से इनमें से कोई भी बातें आपको यहां पर नहीं मिलने वाली। और यहां पर आप देख लीजिएगा कि मैं जिस प्रोजेक्ट के विषय में चर्चा करने जा रहा हूं, ना ये कोई स्कीम है, ना ही कोई ऑफर है, ना ही कोई लॉटरी है। यह बिल्कुल कॉरपोरेट प्रोजेक्ट है दोस्तों, जो कि आपके ऊपर आपका एफर्ट ही यहां पर रहता है, आपका एफर्ट ही रहता है जो आपको यहां पर रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स प्राप्त करने में आपकी मदद करता है। और यहां पर उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं। तो जब सबसे पहले हमारे मन में प्रोजेक्ट की बात आती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर माइंड में एक फ्रेम बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, इस यूनिक प्रोजेक्ट को। ये एक ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट है जहां से आप अपने डेटाबेस के का निर्माण और संवर्धन कर सकते हैं। तो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में आप यहां पर देख पाएंगे, एक तरफ आपको दिखाई देता है सिस्कॉम। दो कंपनीज है दोस्तों, एक सिस्कॉम है जिनका हेडक्वार्टर इंग्लैंड यूके में है, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दाबैंक दूसरी कंपनी है जिनका हेडक्वार्टर स्कॉटलैंड यूके में है। यही इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में होते हैं दोस्तों, दो कंपनीज अलग अलग। चलिए हम देख लेते हैं कि सिस्कॉम जो कि इंग्लैंड यूके से बिलोंग करती है, ये हमें क्या क्या चीजें देने वाली है। दोस्तों, हमें इस सिस्कॉम इंटरनेशनल से मिलती है एक सोशल मीडिया की एप्लीकेशन, जिसे आप मल्टी यूटिलिटी एप्लीकेशन कह सकते हैं, जिसका नाम है इयोनेट। और ये यहां से क्लाउड स्पेस को सेल करने का काम करती है सिस्कॉम। इसके पश्चात आप देखेंगे दोस्तों, इसकी अवेलेबिलिटी ग्लोबल होती है, विश्वव्यापी इसकी उपलब्धता होती है। और पीसीआई डीएसएस, यहां पर आपके जो पेमेंट से संबंधी जो चीजें होती हैं और सिक्योरिटी से जो संबंधित चीजें होती हैं, उसकी बातों को यदि आप ध्यान में रखें दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के तहत ये कंपनी पंजीबद्ध है, जिसके चलते आपका और किसी का भी डाटा यहां पर पूर्णतया सुरक्षित है। डाटा को लेकर के किसी प्रकार की असुरक्षा नहीं है। अब यहां पर एक बात आ जाती है कि इस इयोनेट के एप्लीकेशन को, जो कि सोशल मीडिया का एप्लीकेशन है, यहां पर हम ऑनबोर्डिंग किस प्रकार से कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए एक स्पेशल इनविटेशन का प्रोसेस होता है, जिसे गो थ्रू करके हम यहां पर ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं किसी भी इयोनेट यूजर के द्वारा, जो ऑलरेडी इयोनेट को यूज कर रहा है उसके द्वारा एक स्पेशल इनविटेशन प्रोसेस से इनविटेशन लेकर के हम यहां पर ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं। इसके पश्चात आप देखिएगा, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है वन ऐप। दोस्तों, ये वन ऐप आप कह पाएंगे कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस है और ये अपकमिंग वेंचर है, बहुत ही जल्द ये आपके हमारे समक्ष में लॉन्च होने वाला है, लेकिन अभी आप इसे कह सकते हैं कि अपकमिंग वेंचर है। यहां पर आपको कई सारे ब्रांडेड पोर्टल्स एक ही छत के नीचे वन ऐप में आपको मिलने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर में दूसरी कंपनी की ओर, जो होती है दाबैंक। तो दोस्तों, हम यहां पर दाबैंक में क्या देख पा रहे हैं? दाबैंक एप्लीकेशन हमें यहां पर एप्लीकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करता है दोस्तों, फ्रीलांसर्स को, और किसी प्रकार से ये हमसे पैसे नहीं लेता है। यहां पर आपको किसी प्रकार के प्रोडक्ट्स की सेलिंग या क्राउड फंडिंग जैसी कोई भी बातें नहीं मिलती हैं। ये हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है दोस्तों, एब्सोल्युटली फ्री। इसके पश्चात आप देखेंगे कि ये दाबैंक की एक्टिविटीज में क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती है।
तो दोस्तों बेसिकली डाबैंक की जो एक्टिविटीज होती हैं एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ क्लाइंट्स। क्योंकि यहां पर हमने देखा सिस्कॉम में कि सिस्कॉम जो है हमें सोशल मीडिया की मल्टी यूटिलिटी प्लेटफॉर्म ऐप बेस्ड एप्लीकेशन तो प्रदान करती ही है, लेकिन साथ में क्लाउड सर्विसेज को भी, क्लाउड स्टोरेज को भी सेल आउट करती है। तो यहां पर उसी सिस्कॉम कंपनी की जो जो प्रोडक्ट सेलिंग है, उस प्रोडक्ट सेलिंग पे आप कह सकते हैं क्लाउड स्टोरेज, तो उनका एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन का काम करती है दाबैंक, और क्लाइंट्स के सर्विसेज का भी ध्यान रखती है, यही इनकी एक्टिविटीज में शामिल है। इसके पश्चात आप देख पाएंगे दोस्तों इंटरनेशनल सर्विसेज की यदि आप बात करें तो यहां पर मल्टी करेंसी पेमेंट प्रोसेसर्स यहां पर उपलब्ध होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में अपनी करेंसी को अपने बैंक अकाउंट में वो यहां से अर्जित कर पाता है। और यहां पर भी आप देख पाएंगे कि जीडीपीआर से संबद्धता इसकी आपको यहां दिखाई देती है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के तहत। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो आपके मन में बातें आती है कि चलो ठीक है भाई, अब यहां पर ऑनबोर्डिंग का सवाल आता है, तो ऑनबोर्डिंग हम कैसे कर पाते हैं? तो यहां पर दोस्तों आपको अपने स्वयं की सहमति देने की आवश्यकता होती है। इसके पश्चात आप यहां पर इनके एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन में इनके साथ शामिल हो सकते हैं। आपको एज ए ईओ नेट यूजर अपनी एक सहमति यहां पर प्रदान करनी होगी, तब जाकर के आपकी ऑनबोर्डिंग दाबैंक में संभव हो पाती है। अब दोस्तों यहां पर हम एक विस्तृत जानकारी ले लेते हैं कि ईओ नेट यूजर के तौर पर यहां फ्री ऑनबोर्डिंग जब हो जाती है तो यहां पर हम किन किन चीजों को देख पाते हैं। आप यहां पर देखेंगे दोस्तों कि फ्री ऑनबोर्डिंग यहां पर ईओ नेट यूजर के रूप में देखेगा कि हमें क्या क्या चीजें मिल पाती हैं। जैसे ही हम फ्री ऑनबोर्डिंग करते हैं दोस्तों, यहां पर हमें सोशल कम्युनिटी चैट और क्लाउड ये सब आपको दिखाई दे रहा होगा। लेफ्ट हैंड साइड में स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, जहां पर आपको सोशल कम्युनिटी का पेज दिखता है, चैट दिखता है, क्लाउड का ऑप्शन दिखता है। आप अपने वॉल को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अनुसार। इसके साथ साथ में अपने प्रोफाइल को भी और प्राइवेसी को मैनेज कर पाते हैं दोस्तों, जिस तरह से हम हर प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अपनी अकाउंट्स में अपने प्रोफाइल्स को मैनेज करने का काम करते हैं। इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं कि यहां पर और भी आपको सुविधाएं दी गई हैं। आपके चैनल्स के थ्रू आप अपने पर्सनैलिटी को पोर्ट्रे कर सकते हैं दोस्तों, प्रस्तुत कर सकते हैं चैनल्स के आधार पर। ये आपके इंटरेस्ट के अनुसार आपको सुविधा यहां पर दी जाती है, जो आपको कहीं और नहीं मिलती। अब इसके पश्चात आप देख पाएंगे दोस्तों, जैसे ही आप फ्री ऑनबोर्डिंग करते हैं तो आप 3 GB के क्लाउड स्पेस को एब्सोल्युटली फ्री इस्तेमाल करने के हकदार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी आवश्यकता उस 3 GB से ज्यादा होती है, तो यहां पर दो पैकेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, £40 और £400। £40 में आपको 50 GB की क्लाउड सेवाएं दी जाती हैं और £400 में 500 GB की क्लाउड सेवाएं दी जाती हैं। दोस्तों पेमेंट आपको वन टाइम ही करना होता है और इनकी सर्विसेज आप लाइफ टाइम ले सकते हैं। लेकिन यहां पर आप देखिएगा कि सब्सक्राइब टू क्लाउड क्लाउड एज रिक्वायर्ड, अगर आपकी रिक्वायरमेंट होती है तो आप £40 या £400 पर जा सकते हैं और उनकी सेवाओं को एंजॉय कर सकते हैं। अब यहां पर आप देखिएगा दोस्तों, इस ईओनेट की जब बात हम यहां पर कर रहे थे तो इस ईओनेट में हमें करना क्या होगा दोस्तों। जैसे हम देखते हैं कि किसी प्रकार की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जैसे हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है, तो हम अपने कॉन्टेक्ट्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं, वहां पर हम एक अपनी कम्युनिटी को बनाते हैं वहां पर। तो यहां पर दोस्तों आपको इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपनी एक ईओनेट की कम्युनिटी को बनाना है। तो इस प्रोसेस में हमें पहला स्टेप क्या आता है, स्टार्ट इनवाइटिंग। आप अपने कॉन्टेक्ट्स को इनवाइट करना शुरू करिएगा। यहां पर जो भी आपको पेज दिखता है सोशल मीडिया के कम्युनिटी पेज पर, आपको कंटेंट्स दिखाई देते हैं दोस्तों, उन कंटेंट्स को आपको शेयर करना है। दैट्स इट, इतना ही काम है आपका। जैसे ही आप शेयर करते हैं, उसके द्वारा आपके कॉन्टेक्ट्स लिंकअप हो जाते हैं आपके साथ में। जिस प्रकार हम फेसबुक इंस्टाग्राम में ऐड फ्रेंड करते हैं, फॉलो करते हैं, या फॉलो लोग हमको करते हैं, ऐड फ्रेंड करते हैं, इसी प्रकार हमारे कॉन्टेक्ट्स यहां से लिंकअप हो जाते हैं। लेकिन हमारे मन में फिर से एक बात आ जाती है कि हम यहां पर लोगों को, अपने कॉन्टेक्ट्स को लिंकअप क्यों करेंगे? तो दोस्तों यहां पर मेन ऑब्जेक्टिव है डेटाबेस।
क्योंकि किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम देख पाते हैं हमारे कॉन्टेक्ट सिर्फ कनेक्शन मात्र होते हैं। डेटाबेस वो कहलाते हैं उन एप्लीकेशंस के ओनर के, इसीलिए प्रॉफिटेबल जो पार्ट होता है वो भी उस एप्लीकेशंस के ओनर का ही होता है, हमारा नहीं हो पाता। तो दोस्तों यहां पर भी हम यहां पर मौका मिलता है हमें कि अपने स्वयं के डेटाबेस का निर्माण और संवर्धन कर पाए। इसीलिए यहां पर आप देख पा रहे हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव होता है इस कम्युनिटी को बनाने के लिए हमारा डेटाबेस। और दोस्तों आप इस बात से सहमत जरूर हो जाएंगे कि आज के समय में किसी भी बात को यदि हमें संचारित करना है या कहीं पर पहुंचाना है तो सोशल मीडिया ही सबसे तेज इसका माध्यम हो सकता है। आज के समय में, आज के ट्रेंड पे आप देख पाते हैं कि सोशल मीडिया इज द फास्टेस्ट वे टू रीच वर्ल्ड वाइड, विश्वव्यापी। यदि किसी भी आपके विचार को या किसी भी आपकी चीजों को विस्तारित करना है तो सोशल मीडिया इसके लिए सबसे सशक्त माध्यम है। दोस्तों यहां पर आपको इनवाइट पहले करना है ताकि ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति आपको इनवाइट कर जाए। अब चल करके हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में दूसरी कंपनी की ओर चलते हैं जो होती है दाबैंक। तो दाबैंक में जब हमने चीजों को देखा कि यहां पर हमारे लिए एक असीम संभावनाएं यहां से मिल सकती हैं, तो हम यहां पर दाबैंक के साथ में एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन के कार्य में इनके साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं। जब ये बात आती है तो हम देखते हैं कि फ्री ऑन बोर्डिंग यहां पर किस प्रकार हो सकती है, अब यहां पर प्रोसीड कैसे करना है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको अपनी सहमति प्रदान करनी है, अपने कंसेंट को सबमिट करना है। जैसे ही आप कंसेंट सबमिट करते हैं यहां पर दाबैंक में आपकी ऑनबोर्डिंग हो जाती है। लेकिन आपके मन में फिर से एक सवाल आ सकता है, भाई डेटाबेस टेक्नोलॉजी से संबंधित ये प्रोजेक्ट है और इसमें यदि मैंने सहमति दे दी तो क्या मेरा डाटा सुरक्षित रहेगा, क्या मुझे किसी प्रकार की असुरक्षा नहीं होगी डेटा से संबंधित। तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जो कि यूरोपियन कंट्रीज का एक स्ट्रॉन्ग नियम है जिसके तहत ये कंपनी पंजीबद्ध है, तो आप सभी आश्वस्त हो सकते हैं कि हमारा और आपका डाटा पूर्णतः सुरक्षित है। और इसकी सुरक्षा आपको किस प्रकार से मिलती है, आपके जो भी दस्तावेज होते हैं दोस्तों वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में यहां पर सेव होते हैं, जिसे कंपनी भी चाहे तो उसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकती है। और दाबैंक क्या हमें देता है, तो दोस्तों दाबैंक हमें यहां पर सेवाएं देता है और रिवॉर्ड्स अचीव करने के लिए, अर्न करने के लिए यहां पर हमारी मदद करता है। दोस्तों आगे चल करके हम देखेंगे कि किस तरह से रिवॉर्ड्स यहां पर हमें मिल पाते हैं। अब दोस्तों यहां पर आपको नेटिजनशिप जो दिखाई देता है वो नेटिजनशिप ये है कि ईओन नेट में जैसे ही आप फ्री यूजर के रूप में सहमति देते हैं तो दाबैंक में आपको यहां से नोविस कहा जाता है। इसी प्रकार दोस्तों जैसे ही आपकी स्टैंडर्ड एक्टिवेशन यदि आपने कर लिया ईओन नेट के फ्री यूजर के तौर पर तो आपको दाबैंक में एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। और इसी प्रकार जैसे ही आपने यदि ईओन नेट में प्रीमियम अपग्रेडेशन कर लिया तो आपको दा बैंक में इंपीरियल कहा जाता है। और दोस्तों यही आपकी नेटिजनशिप का स्टेटस होता है जिसके चलते आपकी एलिजिबिलिटी और वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड्स का तय होना इन्हीं स्टेटस पर निर्भर होता है। जिस प्रकार से आपका स्टेटस है, चाहे आप फ्री यूजर हो, एग्जीक्यूटिव हो या इंपीरियल हो, इसी के आधार पर आपके या आपकी योग्यता और पुरस्कारों का जो निर्णय लिया जाता है इन्हीं के आधार पर होता है। अब दोस्तों यहां पर आपको दिखाई दे रहा है पायनियर्स। ये पायनियर्स होते क्या है, पायनियर्स दोस्तों आपके व्यक्तिगत आमंत्रण किए हुए आमंत्रित को आप यहां पर पायनियर्स कहते हैं और यही आपके आधारभूत स्तंभ होते हैं दोस्तों आपके डेटाबेस के निर्माण और संवर्धन में। तो दोस्तों यहां पर आपके फाउंडेशन के रूप में आपके पायनियर्स आते हैं जो आपके व्यक्तिगत आमंत्रित हैं, यही आपके विड्थ के रूप में आपके एरिया ऑफ ऑपरेशन को बढ़ाते हैं। और जैसे ही आपके पायनियर्स आपके साथ में शामिल होते हैं, जैसे आपने उन्हें इनवाइट किया, शेयर किया और जब वो आपके साथ पायनियर्स के रूप में आ गए तो दोस्तों आप उन्हें कंसेप्ट से रूबरू करवाइएगा, उन्हें कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाइए,
उनके साथ साथ में ये आपकी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है कि ओरिएंटेशन से उनको अवगत कराएं, ताकि उनकी इकोनॉमी को खोज पाने में आप उनकी मदद करें, उसे पूरी तरह से दिखाने में आप उनकी मदद कर पाए कि क्या कुछ यहां से असीम संभावनाएं मिल सकती हैं जो किसी की भी परिकल्पना से ऊंची है। दोस्तों, इसके पश्चात आपको पर्सनल काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, और जो आपके पायनियर्स हैं उनको आपको पेरेंटिंग करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार जो माँ बाप होते हैं अपने छोटे बच्चों को जिस तरह से केयर करते हैं, ठीक उसी प्रकार दोस्तों हमें और आपको अपने पायनियर्स की केयर ठीक उसी प्रकार से करनी होगी। और जैसे ही हम इस प्रकार करते हुए आगे बढ़ते हैं, हमारे फोरम का निर्माण होना शुरू हो जाता है दोस्तों, कि हमारा पहला व्यक्ति हमारे फोरम ए में चैनलाइज होता है, दूसरा बी में, तीसरा ए और चौथा फिर से बी, और इस प्रकार हमारे विट का निर्माण हो जाता है दोस्तों। और जैसे ही ये चैनलाइजेशन आगे बढ़ती है, यहां पर हम देख पाते हैं कि हमारे डेप्थ का निर्माण हो चुका है, और अपनी दोनों आंखों से इनके संतुलित विकास पर हम नजर बना करके रख सकते हैं। लेकिन देखिएगा, हमारे मन में फिर से एक बात आ जाती है कि भाई दो ही फोरम यहां पर क्यों दिए गए हैं। तो दोस्तों, बहुत सुंदर सा इसका लॉजिक है, बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक है कि किसी भी गणितीय गणना के लिए दो संख्याओं की आवश्यकता होती ही है। चाहे आप जोड़ घटाना करें, चाहे गुणा भाग करना पड़े करना चाहें, दो संख्याओं के बिना यह संभव नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही दोस्तों यहां पर आप देखेगा कि जैसे ही फोरम ए का अनुपात बी के बराबर होता है, तो आपका रिवॉर्ड पॉइंट एक पाउंड के रूप में अपने दाबैंक के वॉलेट में उपलब्ध करा दिया जाता है, और ये लगातार चलता रहता है दोस्तों आपकी सक्रियता और एक्टिविटी के आधार पर। अब यहां से हम अगली स्लाइड पर चलते हैं रिवॉर्ड्स के तरफ। यहां से हमें क्या कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला है दोस्तों, ये बहुत ही एक्साइटिंग है, इसे हमें जानना बहुत आवश्यक है। तो इसके भाग एक में चलते हैं दोस्तों। जब हम इसके फोरम के निर्माण में जब हम अग्रसर होते हैं, तो यहां पे हमें क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलते हैं दोस्तों। रिवॉर्ड्स की बात यदि मैं आपसे करूं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि दाबैंक का रिवॉर्ड प्रोग्राम सिस्टमैटिक और सिंसियर एफर्ट्स को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत पर आधारित होता है। इन रिवॉर्ड्स की गणना आपके हमारे फोरम के एग्जीक्यूटिव और इंपीरियल नेटिजन्स की संख्या के आधार पर होती है। तो यहां पर आप देखिएगा कि रिवॉर्ड्स के लिए कुछ आधारभूत तत्व हमको दिखाई देते हैं कि नेटिजनशिप में यहां पर दिखता है नीले कलर से नोविस, हरे कलर से एग्जीक्यूटिव और लाल कलर से इंपीरियल। यही हमारी योग्यता को तय करता है दोस्तों, पुरस्कारों की योग्यता को यही नेटिजनशिप तय करती है। इसके साथ साथ में जो फोरम का विड्थ होता है, यह हमारे स्लैब को निर्धारित करता है, और हमारी जो क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड्स है, मतलब कितनी प्रकार के रिवॉर्ड्स हमें मिल सकते हैं, कौन सी तह तक हमें रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं और कितने सारे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, ये निर्भर करता है आपके फोरम की डेप्थ पर। अब यहां पर आप देख पाएंगे दोस्तों कि नोविस, फ्री यूजर, एग्जीक्यूटिव और इंपीरियल को रिवॉर्ड्स किस तरह से मिलते हैं। नोविस को मिलते हैं दो प्रकार के रिवॉर्ड, स्टार्टअप रिवॉर्ड और फोरम रिवॉर्ड। एग्जीक्यूटिव को मिलते हैं स्टार्टअप रिवॉर्ड, फोरम रिवॉर्ड। ये तो हमको नोविस की तरह ही दिखता है, लेकिन नोविस से कई गुना बढ़ करके मिलता है। लेकिन तीसरा रिवॉर्ड गोल्ड रेस के रूप में मिलता है दोस्तों, जहां पर आप पाएंगे कि 6 करोड़ तक का सोना उपहार में मिलता है यहां पर एग्जीक्यूटिव को। यह अतिरिक्त रिवॉर्ड है यहां पर। इंपीरियल में यहां पर हम देखेंगे दोस्तों, इंपीरियल में हमको क्या दिखता है, स्टार्टअप रिवॉर्ड, फोरम रिवॉर्ड और गोल्ड रेस, ये तो सेम ही है। लेकिन चौथे रिवॉर्ड के रूप में हमें दिखता है गोल्ड रश। गोल्ड रश में दोस्तों एक और मौका मिलता है 6 करोड़ तक का सोना उपहार में जीतने का। लेकिन हम यहां पर देखते हैं कि क्या 4 ही रिवॉर्ड्स हैं इंपीरियल को, बिल्कुल नहीं दोस्तों। आप देख पाएंगे कि 5वां रिवॉर्ड क्लब बूस्टर के रूप में निकल करके आता है, उभर के आता है। और दोस्तों ये इतना शानदार रिवॉर्ड है जहां से आप अपने इकोनॉमी को कई गुना, चाहे वो 2 गुना हो, 4 गुना हो, 10 हो, 20 हो या 30 गुना हो, आप अपनी इकोनॉमी को कई गुना बढ़ा सकते हैं अपनी सक्रियता और एक्टिविटी के आधार पर। और इसका 6वां रिवॉर्ड भी यहां पर आपको बहुत शानदार मिलने वाला है दोस्तों।
यहां पर अपनी योग्यता का सर्वोत्तम उपयोग करके कीर्तिमान स्थापित करने पर दाबैंक का सर्वोच्च रिवॉर्ड, दाबैंक रिवॉर्ड आपको यहां से मिलने वाला है इंपीरियल के नेटिजनशिप पे, जहां पर 4 लग्जरी कारें 6 करोड़ तक की आपको मिलने वाली है। इसके पश्चात इन रिवॉर्ड्स पे हम नजर डालते हैं दोस्तों कि ये रिवॉर्ड्स हमें क्या क्या मिलने वाले हैं यहां से। तो दोस्तों पहला रिवॉर्ड होता है गोल्ड रिवॉर्ड्स। आप देख पा रहे हैं गोल्ड रिवॉर्ड्स की कैटेगरी में हमें कैटेगराइज किया गया है यहां पर गोल्ड रेस और गोल्ड रश के रूप में। तो यहां पर हमें गोल्ड रेस और गोल्ड रश रिवॉर्ड पहले रिवॉर्ड के रूप में मिलता है, जहां पर हम देखते हैं गोल्ड रेस में हमें रीगल के रूप में रिकॉग्निशन मिलती है दोस्तों, और गोल्ड रश में रॉयल के रूप में रिकॉग्निशन मिलती है। तो ये गोल्ड के रिवॉर्ड्स हम अर्जित कैसे कर पाते हैं, देखिएगा। गोल्ड रेस के लिए अति आवश्यक होता है दोस्तों कि आपके व्यक्तिगत आमंत्रित आपके फोरम ए और फोरम बी में एक एक पायनियर्स होने चाहिए, तब जाके आपको रीगल रिकॉग्निशन में ये आपके लिए रास्ते खुलेंगे। लेकिन गोल्ड रश में दोस्तों आपके दो इंपीरियल नेटिजन, एक फोरम ए और एक फोरम बी में आपके होने चाहिए, चाहे वो आपके टीम से भी हो तो भी आपके लिए यहां की एलिजिबिलिटी तय हो जाती है। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि गोल्ड रेस जो होता है उसका इंपैक्ट सीधे सीधे आपके डेटाबेस में होता है, और गोल्ड रश का जो आपका रॉयल रिकॉग्निशन होता है उसका इंपैक्ट आपके सीधे सीधे इकोनॉमी पे होती है। जबकि यहां पर आपको दोस्तों फेलिसिटेट किया जाता है, आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है, आप मतलब ऑन द बेसिस ऑफ योर रिकॉग्निशन कि आप रीगल से हैं या रॉयल से हैं, आपको अप्रिशिएट किया जाता है, फेलिसिटेट किया जाता है दोस्तों आपको गोल्ड रिवॉर्ड्स के दौरान, और आपको गोल्ड रिवॉर्ड्स यहां से अर्जित होते हैं। जैसे ही दोस्तों गोल्ड रेस में आप रीगल जस्पर के रूप में आते हैं और गोल्ड रश में रॉयल जस्पर के रूप में आते हैं, तो आपको यहां पर एलिजिबिलिटी देखने की आवश्यकता है। जैसे ही आप 150 एग्जीक्यूटिव्स की बैलेंसिंग ए और बी पे कर जाते हैं तो आपको रीगल जस्पर के रूप में पहचान मिलती है, और इसी प्रकार आपके 15 इंपीरियल्स फोरम ए और फोरम बी में जब बैलेंस हो जाते हैं तो आपको रॉयल जस्पर के रूप में पहचान मिलती है। और दोस्तों यहां पर अवधि आप देख पा रहे हैं कि गोल्ड रेस के लिए आपको 180 दिन की अवधि मिलती है और गोल्ड रश के लिए आपको 90 दिनों की अवधि मिलती है। रिवॉर्ड्स यहां पर दोस्तों आपको फ्री एंट्री पास मिलते हैं हाई लेवल के डेक्स के लिए, आप जिसे कह पाते हैं ड्रीम एनहांसमेंट एंड कल्टीवेशन सेमिनार ऑफ 2 nights and 3 days के पासेस, और यही सेम एंट्री पास हाई लेवल के डेक्स के आपको गोल्ड रश की तरफ से मिलता है जब आप रॉयल जब आप यहां से जस्पर हो जाते हैं, रॉयल से जस्पर हो जाते हैं, तब भी आपको यही एंट्री पास मिलता है 2 रात और 3 दिनों का। जब आप दोस्तों गोल्ड रेस की तरफ से रीगल के रूप में अंबर होते हैं और गोल्ड रश में आप रॉयल अंबर कहलाते हैं, तो यहां पर आप देखिएगा कि रीगल अंबर के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो 500 एग्जीक्यूटिव की बैलेंसिंग ए और बी पर होने पर होती है। इसके साथ साथ गोल्ड रश में आप देखेंगे कि 50-50 इंपीरियल की बैलेंसिंग ए और बी पे होने पर आप रॉयल अंबर की उपाधि को प्राप्त करते हैं, और अवधि यहां से आप देखने मिलती है दोस्तों 365 दिन की अवधि रीगल के लिए गोल्ड रेस के लिए, और रॉयल के लिए गोल्ड रश के लिए आपको दिखता है अवधि 180 दिनों का। दोस्तों यहां पर आपको रिवॉर्ड के रूप में मिलते हैं फ्री एंट्री पास एडवांस लेवल के डेक्स का 3 रात और 4 दिनों का, और यही सेम रिवॉर्ड आपको मिलता है दोस्तों गोल्ड रश में एडवांस लेवल का डेक्स 3 रात और 4 दिनों का। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों गोल्ड रेस में गोल्ड रेस की तरफ से आप रीगल पर्ल की उपाधि को प्राप्त करते हैं और गोल्ड रश में रॉयल पर्ल की उपाधि को प्राप्त करते हैं। तो गोल्ड रेस के लिए दोस्तों आपको 3,000 एग्जीक्यूटिव की बैलेंसिंग ए और बी पे होने पर ये क्राइटेरिया पूरा होता है, और 3,300 इंपीरियल ए और बी पे जब पूरा हो जाता है तब रॉयल पर्ल की क्राइटेरिया को आप पूर्ण कर लेते हैं। पीरियड यहां पर अवधि 540 दिन की अवधि होती है गोल्ड रेस में, और गोल्ड रश में 365 दिन की अवधि होती है। रिवॉर्ड्स दोस्तों आपको गोल्ड की शॉपिंग होती है 6 लाख रुपए की गोल्ड रेस की तरफ से, और ठीक इसी प्रकार गोल्ड रश में भी आपको 6 लाख की गोल्ड की शॉपिंग होती है उपहार के तौर पर। तो टोटल गोल्ड की शॉपिंग यदि आप देखते हैं दोस्तों तो आपको 12,000 पाउंड मतलब
12 लाख रुपए का गोल्ड आपको यहां से उपहार में मिलता है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो गोल्ड रेस में आप रीगल टोपाज के रूप में रिकॉग्नाइज किए जाते हैं और गोल्ड रश में रॉयल टोपाज के रूप में रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। इसके क्राइटेरिया को देखते हैं दोस्तों, तो 10-10 हजार एग्जीक्यूटिव की बैलेंसिंग ए और बी पर होती है रीगल टोपाज के लिए, और रॉयल टोपाज के लिए 1-1 हजार इंपीरियल की बैलेंसिंग ए और बी पर। अवधि आप देख पाते हैं दोस्तों 730 दिन की अवधि दोनों में है। रिवॉर्ड के रूप में आप देखेंगे कि गोल्ड शॉपिंग आपको 12 लाख का गोल्ड रेस की तरफ से और 12 लाख के गोल्ड शॉपिंग गोल्ड रश की तरफ से मिलती है। टोटल गोल्ड की शॉपिंग अब तक इस स्टेज पे यदि आप गणना करते हैं दोस्तों तो 36 लाख की गोल्ड, 36 लाख से ऊपर का गोल्ड आपको यहां से उपहार में मिलता है। इसके पश्चात हम देखते हैं दोस्तों कि अब क्या हुआ, हमारे पास में टाइम फ्री जोन हो गया। इसके पहले तक जो चार स्टेजेस हमने देखे थे उनमें समय का बाउंडेशन था, टाइम का बाउंडेशन था। यदि हम समय की सीमा में नहीं करते तो हमें वो रिवॉर्ड्स ना भी मिल पाए, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अब हम टाइम फ्री जोन पर आ चुके हैं दोस्तों 100% विनिंग प्रोबेबिलिटी के साथ। चलिए इस टाइम फ्री जोन पर देखते हैं कि किस तरह से हमें रिवॉर्ड्स उपलब्ध होने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, गोल्ड रेस में रीगल रूबी के रूप में आपको पहचान मिलती है और गोल्ड रश में आपको रॉयल रूबी के रूप में पहचान मिलती है। क्राइटेरिया होता है गोल्ड रेस का 20-20 हजार एग्जीक्यूटिव्स ए और बी, और रॉयल रूबी के लिए गोल्ड रश में इसका क्राइटेरिया होता है 2-2 हजार इंपीरियल्स फोरम ए और बी। अवधि आप देखिएगा फ्री टाइम जोन एनी टाइम। इसके पश्चात रिवॉर्ड्स में आप देखेंगे गोल्ड रेस की ओर से 18 लाख का सोना और 18 लाख का सोना गोल्ड रश की भी तरफ से मिलता है। टोटल गोल्ड की शॉपिंग इस स्टेज पर पहुंचते पहुंचते आपको मिल जाती है 72 लाख की गोल्ड शॉपिंग उपहार के रूप में। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गोल्ड रेस में आप रीगल सफायर के रूप में पहचाने जाते हैं और गोल्ड रश में रॉयल सफायर के रूप में पहचाने जाते हैं। क्राइटेरिया होता है गोल्ड रेस का 40 हजार एग्जीक्यूटिव्स ए और बी, और गोल्ड रेस की क्राइटेरिया को देखेंगे तो 4-4 हजार इंपीरियल्स आपके फोरम ए और फोरम बी। इस प्रकार से आप देखेंगे कि अवधि यहां पर फ्री टाइम जोन में एनी टाइम की अवधि है। रिवॉर्ड आप देखते हैं दोस्तों, तो 36 लाख का सोना गोल्ड रेस की तरफ से, 36 लाख का सोना गोल्ड रश की तरफ से, और टोटल गोल्ड यदि आप देखते हैं इस स्टेज तक तो आपको मिलता है दोस्तों 1,44,00,000 का सोना उपहार के तौर पर। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, गोल्ड रेस में आप रीगल एमरल्ड के रूप में पहचाने जाते हैं और गोल्ड रश में रॉयल एमरल्ड के रूप में पहचाने जाते हैं। क्राइटेरिया होता है दोस्तों 80,000 एग्जीक्यूटिव फोरम ए और फोरम बी गोल्ड रेस की तरफ से, गोल्ड रश की तरफ से आप देखते हैं 8-8 हजार इंपीरियल ए और बी पे। अवधि यहां पर फ्री टाइम जोन है, कोई बाउंडेशन नहीं है टाइम का। रिवॉर्ड में आप देखते हैं दोस्तों 78 लाख का सोना गोल्ड रेस की तरफ से, 78 लाख का सोना गोल्ड रश की तरफ से। यहां तक पहुंचते पहुंचते आपकी टोटल गोल्ड हो जाती है वर्थ 3 करोड़ रुपीस, 3 करोड़ तक का सोना आप यहां से उपहार में अब तक ले चुके होते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो गोल्ड रेस में आप रीगल डायमंड के रूप में पहचाने जाते हैं और गोल्ड रश में रॉयल डायमंड के रूप में पहचाने जाते हैं दोस्तों। 2,40,000 एग्जीक्यूटिव की ए और बी पे बैलेंसिंग जब होती है तो गोल्ड रेस का क्राइटेरिया पूरा होता है और गोल्ड रश के क्राइटेरिया को देखेंगे तो 24-24 हजार इंपीरियल्स ए और बी पर। समय की सीमा फ्री टाइम जोन है। रिवॉर्ड्स को आप देखेंगे तो 4,51,00,000 रुपए गोल्ड रेस की तरफ से आपको गोल्ड शॉपिंग होती है दोस्तों, और गोल्ड रश की तरफ से भी 4,51,00,000 की गोल्ड शॉपिंग। इस स्टेज तक आपकी टोटल गोल्ड की शॉपिंग हो जाती है दोस्तों 12,02,000 पाउंड रुपीस में। यदि आप इसे कन्वर्ट करके देखते हैं तो 12 करोड़ प्लस का सोना आपको गोल्ड रिवॉर्ड्स के रूप में मिलता है। ये बहुत ही शानदार है दोस्तों, बहुत ही एक्साइटिंग है। इसके बाद अगले रिवॉर्ड की ओर चलते हैं जो कहलाता है गोल्ड मेडल। दोस्तों ये गोल्ड मेडल क्या होता है? गोल्ड मेडल आपके व्यक्तिगत आमंत्रण एग्जीक्यूटिव के रूप में यदि आप शामिल कर लेते हैं तो यहीं से आपके गोल्ड मेडल की कहानी शुरू होती है। आप देखेगा, और ये आपके जो 1 से लेकर 6 तक दिखाई दे रहे हैं ये आपके स्लैब है दोस्तों। यही स्लैब आपके प्रॉफिटेबिलिटी के लेवल को यही निर्धारित करते हैं, यही परिभाषित करते हैं।
तो जब आपके व्यक्तिगत आमंत्रणों की आमंत्रितों की संख्या शून्य से एक होती है तो स्लैब नंबर वन पर होते हैं। आप देखिएगा कि ये गोल्ड का जो एनसर्कल है ये आपके स्लैब्स के ऊपर में दिखाई देता जा रहा है। जैसे ही आपके व्यक्तिगत आमंत्रितों की संख्या 2 से 9 हो जाती है तो आप देखिएगा कि आप स्लैब नंबर 2 पर आ जाते हैं और ये गोल्ड का एनसर्कल भी स्लैब नंबर 2 पर आ जाता है। तो आपको इसी तरह से आपके इनकम में बढ़ोतरी होने शुरू हो जाती है दोस्तों, स्लैब वाइज आपकी इनकम भी बढ़ने लगती है। जैसे आपके आमंत्रितों की संख्या 10 से 24 होती है तो एग्जीक्यूटिव पायरियर्स के रूप में आप स्लैब नंबर 3 पर आते हैं। इसी प्रकार 25 से 49 में स्लैब 4 पर आते हैं। अब जैसे ही देखिएगा 50 से 99 हो गए तो आप पांचवें स्लैब पर दिखाई तो दे रहे हैं। इसी प्रकार 100+ पे आपके छठवें स्लैब भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन ये जो गोल्ड का जो एनसर्कल होता है जो आपके इनकम को डिफाइन कर रहा था ये चौथे स्लैब पर आकर रुक गया। तो पांचवें स्लैब पर इसे ले जाने के लिए मतलब हमें हायर इनकम को अचीव करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, हमें यहां पर रीगल से जस्पर होना होगा। तब आप देखिएगा कि ये गोल्ड का जो एनसर्कल जो ये पांचवें स्लैब को कर चुका, पहले जो चौथे स्लैब में था अब पांचवें पे आ चुका है। तो इस प्रकार दोस्तों हम यहां पर पांचवें स्लैब की इनकम को हासिल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इसके पश्चात जैसे 100+ पर्सन एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, हमारे पायनियर्स होते हैं एग्जीक्यूटिव पायनियर्स, तो हमें दोस्तों रीगल से अंबर होना होता है गोल्ड मेडलिस्ट बनने के लिए। तो जैसे ही दोस्तों हम इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो छठवें स्लैब की इनकम जो कि हायर इनकम स्लैब कहलाती है इसे हम लाइफ टाइम अर्जित करने के लिए तैयार हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। और यहां से जैसे ही हम रीगल अंबर होते हैं दोस्तों तो यहां पर हमें गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में सम्मानित किया जाता है जो बहुत ही शानदार इसका अवार्ड है। और प्योर सोना 600 पाउंड का मतलब 60,000 का प्योर सोना हमें गोल्ड मेडल के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप रॉयल से भी अंबर हो जाते हैं उस निहित जो तिथि के अंदर तो दोस्तों आपको 400 पाउंड का गोल्ड अतिरिक्त मिलने लग जाता है। जो आपका मेडल होता है अब वो 600 पाउंड का नहीं, अब वो 1,000 पाउंड का हो चुका है, मतलब 1,00,000+ का आपको गोल्ड मेडल यहां से मिलता है यदि आप रीगल और रॉयल दोनों से अंबर हो जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये गोल्ड मेडलिस्ट की महत्ता अपनी जगह पर है। इसकी महत्ता ये होती है कि हमें हायर इनकम स्लैब आजीवन यहां से अर्जित करने का अवसर मिलता है। तीसरा रिवॉर्ड आप देखेंगे दोस्तों, रिवॉर्ड्स की यहां पर भरमार है, आप देख पा रहे हैं। तो तीसरे रिवॉर्ड के रूप में आपको फोरम का रिवॉर्ड दिखता है दोस्तों। ये फोरम का रिवॉर्ड हमें किस प्रकार से मिलता है, जैसे हमने देखा था कि हमारे फोरम ए और फोरम बी है। हमारे फोरम ए और फोरम बी पे जैसे ही एक्टिविटी होती है तो उसके आधार पर हमें यहां पर फोरम रिवॉर्ड्स मिलते हैं दोस्तों। अब आप देखिएगा कि जैसे ही फोरम ए और बी पे बैलेंसिंग होती है तो नोविस जो होता है उनके फोरम में जब एग्जीक्यूटिव की बैलेंसिंग होती है तो नोविस को 1 पाउंड मिलता है, और जब इनके फोरम ए और बी पे इंपीरियल की बैलेंसिंग होती है तो 3 पाउंड मिलता है। दोस्तों नोविस के लिए स्लैब एक हो चाहे स्लैब नंबर 6, इनके लिए एग्जीक्यूटिव की बैलेंसिंग पर 1 और इंपीरियल की बैलेंसिंग पर 3 रिवॉर्ड ही मिलता है। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, हमने देखा कि यदि हम एग्जीक्यूटिव या इंपीरियल के स्टेटस में है तो क्या होता है, तो दोस्तों यहां पर स्लैब एक्टिवेट हो चुका होता है। और पहले स्लैब में जब आमंत्रितों की संख्या शून्य से एक होती है तो हमें एग्जीक्यूटिव की बैलेंसिंग पे 1 पाउंड मिलता है, इंपीरियल की बैलेंसिंग पर 5 पाउंड मिलता है। जैसे आप आगे बढ़ते हैं स्लैब नंबर 2, जब आमंत्रितों की संख्या 2 से 9 हो जाती है तो यहां पर एग्जीक्यूटिव की बैलेंसिंग पे 4 पाउंड मिलते हैं दोस्तों, और इंपीरियल की बैलेंसिंग पे 22 पाउंड मिलते हैं। इसी प्रकार आप तीसरे स्लैब पर आप देखते हैं कि आपको एग्जीक्यूटिव की बैलेंसिंग पे 5 और इंपीरियल की 24, चौथे पे आप देखते हैं दोस्तों 6 एग्जीक्यूटिव की बैलेंसिंग और 26 इंपीरियल की बैलेंसिंग पे, पांचवें स्लैब पर आप 7 एग्जीक्यूटिव की बैलेंसिंग और 28 इंपीरियल की बैलेंसिंग, और छठवें स्लैब पर आप पाते हैं दोस्तों एग्जीक्यूटिव की बैलेंसिंग पे 9 पाउंड और इंपीरियल की बैलेंसिंग पे 30 पाउंड, जो कि हाइएस्ट इनकम होती है दोस्तों स्लैब नंबर 6 की। चौथे रिवॉर्ड की ओर चलते हैं दोस्तों। चौथा रिवॉर्ड बहुत ही शानदार रिवॉर्ड है, ये इसे हम स्टार्टअप रिवॉर्ड कहते हैं दोस्तों। स्टार्टअप रिवॉर्ड पे आप देखिएगा यहां पर आपको नीले कलर से नोविस दिखता है, हरे कलर से एग्जीक्यूटिव दिखता है और लाल कलर से इंपीरियल दिखाई देता है। तो जैसे ही कोई नोविस
अपने किसी आमंत्रित को लाता है और वो एग्जीक्यूटिव से शामिल होते हैं, तो नोविस को मिलता है दोस्तों £1 स्टार्टअप के रूप में, और जब नोविस का कोई आमंत्रित इंपीरियल से आता है तो नोविस को मिलता है £3। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप देखते हैं एग्जीक्यूटिव और इंपीरियल की ओर, तो आपको दिखाई देता है एग्जीक्यूटिव या इंपीरियल कोई इनका कोई भी आमंत्रित एग्जीक्यूटिव से आता है तो इन्हें £2 मिलता है, और इनका जब आमंत्रित इंपीरियल से आता है तो इन्हें £20 मिलता है। आप यहां से सीधे सीधे अंतर महसूस कर पाते हैं दोस्तों कि एग्जीक्यूटिव में नोविस से तुलना करते हैं तो ये 2 गुने का फर्क दिखता है, और अगर इंपीरियल से तुलना करते हैं तो लगभग 7 गुने का फर्क दिखता है। तो इसके पश्चात हम यहां पर पांचवें रिवॉर्ड की ओर चलेंगे दोस्तों। पांचवा रिवॉर्ड यहां पर क्या होता है? क्लब बूस्टर ये कहलाता है दोस्तों, पांचवा रिवॉर्ड जो सबसे यूनिक रिवॉर्डिंग सिस्टम कहा गया है दोस्तों। ये 15 अकाउंट्स का क्लब होता है जिसमें 7 अकाउंट्स या 7 व्यक्ति पहले से उपस्थित होते हैं, और यहां पर बाहर में 8 खाली सीटें होती हैं। तो यहां पर हम देखते हैं दोस्तों अंदर की ऑर्बिट पर 7 लोग ग्लोबली कहीं से भी हो सकते हैं ये उपस्थित होते हैं, और इनके बाहर की ऑर्बिट में 8 खाली सीटें होती हैं। सेंटर के ऑर्बिट पे एक प्रेसिडेंट होता है, उसके बाहर की ऑर्बिट पर 2 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और उसकी बाहर की ऑर्बिट पर 4 क्लब मेंबर्स होते हैं। रेड कलर हमारी पोजीशन को इंगित करने वाला इंडिकेटर होता है, और बाहर में 4 8 8 वेकेंट सीट्स होते हैं। तो दोस्तों ये जो 7 व्यक्ति होते हैं ये प्रचार प्रसार करते हैं इसी क्लब का, और इनके प्रचार प्रसार करने से ये क्लब भरने लगता है, पहले एंट्रेंट दूसरे तीसरे, और इस प्रकार 8 एंट्रेंट आते हैं और ये क्लब पूर्ण हो जाता है। जैसे ही क्लब पूरा होता है यहां पर खुशी का माहौल होता है। क्यों? क्योंकि जिन 7 लोगों ने प्रचार प्रसार किया था कंपनी अब उन्हें रिवॉर्ड देती है। प्रेसिडेंट को मिलता है ₹56,000 का रिवॉर्ड, वाइस प्रेसिडेंट जो 2 थे उन्हें मिलता है ₹16,000 का रिवॉर्ड, और 4 क्लब मेंबर्स को ₹8,000 का रिवॉर्ड मिलता है, और जो नए एंट्रेंट्स होते हैं उन्हें अर्निंग पोजिशन के रूप में मेंबर की जगह मिल जाती है। और दोस्तों जो प्रेसिडेंट होता है उसको अपनी जगह छोड़नी होती है, और जैसे ही वो अपनी जगह छोड़ता है तो ये क्लब जो है वो 2 भागों में विभक्त हो जाता है और 2 नए इंपीरियल क्लब हो जाते हैं, और इसी प्रकार से ये प्रक्रिया लगातार चलती जाती है दोस्तों, जिसके चलते कोई भी व्यक्ति एक बार इस क्लब में अपनी सदस्यता ले ले तो क्लब के कंप्लीशन पे पद अनुसार आजीवन यहां से इनकम अर्जित करता रहेगा। और इसी प्रकार यहां से आप देख पाते हैं कि अपने इकोनॉमी को आप 2 गुना 4 गुना 10 गुना 20 गुना तक बढ़ा सकते हैं अपनी सक्रियता के आधार पर। अब दोस्तों यहां पर 6वें रिवॉर्ड के रूप में हमें क्या मिलने वाला है? जैसा कि मैंने आपको कहा था दोस्तों, अपनी योग्यता का सर्वोत्तम उपयोग करके कीर्तिमान स्थापित करने पर दाबैंक का सर्वोच्च रिवॉर्ड दाप्राइड रिवॉर्ड आपको यहां से दिया जाता है दोस्तों, और इसे आप कह सकते हैं पिन्नेकल ऑफ दाबैंक ऑनर, सफलता का सर्वोच्च शिखर आप कह सकते हैं दोस्तों, जो कहलाता है दाप्राइड। जैसे ही आप रीगल और रॉयल से रूबी होते हैं तो दाप्राइड रूबी के रूप में आपको पहचान मिलती है, कंपनी सम्मानित करती है एक लग्जरियस कार जिसका नाम है स्कोडा। इसके पश्चात दोस्तों जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं रीगल से और रॉयल से सफायर होते हैं तो आपको कंपनी दाप्राइड सफायर के रूप में सम्मानित करती है, और आपको यहां पर सपनों की गाड़ी प्रदान करती है दोस्तों जिसका नाम है मर्सिडीज बेंज। इसके पश्चात जैसे ही आप आगे देखते हैं रीगल और रॉयल से एमरल्ड होने पर आपको कंपनी यहां पर एक और सपनों की गाड़ी गिफ्ट करती है जिसका नाम है BMW। इसके पश्चात यहां पर दोस्तों आप देखते हैं कि जैसे ही आप रीगल और रॉयल से डायमंड होते हैं तो आपको दाप्राइड डायमंड के रूप में यहां पर कंपनी गिफ्ट करती है पिन्नेकल ऑफ ऑटोमोबाइल्स, और ऑटोमोबाइल क्षेत्र की चरमोत्कर्ष कही जाने वाली रॉल्स रॉयस। फ्रेंड्स, रॉल्स रॉयस को अर्जित करने के लिए सिर्फ पैसा ही पर्याप्त नहीं होता, इसके लिए आपको या तो ग्लोबली एक सेलिब्रिटी की हैसियत को अर्जित करनी होगी या ग्लोबली एक कॉरपोरेट की हैसियत रखनी होगी, तब जाकर के आपको रॉल्स रॉयस मिल सकती है। तो इस प्रकार से हमें ये दाप्राइड डायमंड 6वें रिवॉर्ड के रूप में मिलता है। अब दोस्तों आप को मैं एक और एक्साइटमेंट दिलाने जा रहा हूं अपने अगले रिवॉर्ड के रूप में। दोस्तों इसका अगला रिवॉर्ड सबसे शानदार है। यहां तक हमने 6 रिवॉर्ड्स को जाना,
इसका जो अगला रिवॉर्ड है दूसरे भाग में, हम इसे कह सकते हैं कि आपका जो फोरम बन रहा था धीरे धीरे वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है ई बिग मॉल के रूप में। अब आप देखिएगा यहां पर वन ऐप के रूप में, जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन वन ऐप है, यही वन ऐप का रिवॉर्ड आपके फोरम जब ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं, और ट्रांसफॉर्म होने पर आपके वन ऐप रिवॉर्ड्स को यही परिभाषित करने वाले हैं। दोस्तों आप यहां पर देखेंगे शॉपिंग फॉर एवर अर्निंग फॉर एवर, शॉपिंग कभी खत्म नहीं हो सकती, इसी प्रकार आपकी अर्निंग कभी खत्म नहीं हो सकती। ये वन ऐप रिवॉर्ड का सिग्निफिकेंस है दोस्तों, ये आपके साथ भी रहेगा, ये आपके बाद भी रहेगा। इसे ही हम कहते हैं दोस्तों विरासत, लेगेसी, यही वन ऐप की रिवॉर्ड है आपकी लेगेसी के रूप में, आपकी विरासत के रूप में, जिसे हमें और आपको यहां पर स्थापित करना है। लेकिन दोस्तों इतनी बातें जानने के बाद हमारे मन में एक कंफ्यूजन होता है, हम थोड़े कंफ्यूज्ड स्टेट में होते हैं कि चीजें बड़ी अच्छी तो लग रही हैं, रिवॉर्ड्स भी बहुत ही शानदार हैं, लेकिन जैसे ही हम अपनी दिनचर्या में वापस जाते हैं तो हमारा मन स्थिर हो जाता है और हम यहां से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों यहां पर बने रहने के लिए मैं आपके लिए बहुत ही आसान रास्ता बताने जा रहा हूं। अपने आप के स्टेटस को आप पेसमेकर में परिवर्तित कर लीजिए, और जैसे ही आप पेसमेकर में अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं, ये रिवॉर्ड्स के सारे दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं और आप बिल्कुल प्रतिबद्ध अपने आप को महसूस करते हैं, प्रतिबद्ध हो जाते हैं, और ये रिवॉर्ड्स को अर्जित करने के लिए आप कदम बढ़ाने लग जाते हैं एज ए पेसमेकर। तो ये पेसमेकर सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है दोस्तों, जिसे हमें एक्टिवेट करना होता है अपनी स्टेटस के रूप में। दोस्तों ये पेसमेकर होते क्या हैं? ये हमारे ऐसे बिजनेस पार्टनर होते हैं जिनके एक्टिव पार्टिसिपेशन से हमारे बिजनेस को गति मिलती है, और यहां पर जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपके पेसमेकर को डिटेक्ट कर लेता है जो आपके दाबैंक में होता है, और इसके पश्चात आपके लिए यहां पर डेक्स यहां पर ऑर्गेनाइज किया जाता है शुरुआती लेवल पर, जहां पर जो हमारे पेसमेकर्स होते हैं उनको जानकारी प्रदान की जाती है, एजुकेशन प्रदान की जाती है, इंफॉर्मेशन प्रदान की जाती है, और जो हमारे पायनियर्स हैं उनको पेसमेकर बनाने में मदद करता है ये हमारा डेक्स। अब दोस्तों इसकी एक्सपीडिशन पे यदि हम चल करके देखेंगे तो पहला बिंदु हमें क्या दिखता है, एक एक बिंदु बिंदुवार यदि हम चले तो इयोनेट का यूजर होना सबसे पहला इंसेप्शन दोस्तों, कि हमें यहां पर अपने आप को प्राउड फील करना चाहिए, हमें प्राउड फील करना होगा कि हम इयोनेट के यूजर हैं। यहां पर इयोनेट का जैसे ही हमें इनविटेशन मिलता है तो हमें तत्काल उसे इस्तेमाल करना शुरू करना होगा, और हमारे यूसेज के हिसाब से उसे हमें प्राइमरी ऐप के रूप में इस्तेमाल करना होगा और अपने कॉन्टैक्ट्स को इनवाइट करना होगा ताकि हम अपनी कम्युनिटी का निर्माण कर पाए। इसके साथ साथ में हमें कंसेंट देना होगा दोस्तों इयोनेट के यूजर के रूप में, डाबैंक की एंट्री के लिए हमें यहां पर कंसेंट देना होगा, ताकि हमें डाबैंक की जो विश्वव्यापी जो अपॉर्चुनिटी जो अवसर मिलने जा रहा है उस अवसर को हम यहां पर ग्रैब कर पाए। और दोस्तों अपने नेटिजनशिप के स्टेटस को हमें आगे अपग्रेड करके रखना है ताकि इतने सारे रिवॉर्ड्स जो हमने देखे, 7 प्रकार के रिवॉर्ड्स जो हमने शानदार देखे, उन सभी रिवॉर्ड्स को अर्जित करने के लिए अपने नेटिजनशिप के स्टेटस को अपग्रेड करना बहुत ही आवश्यक है। और दोस्तों जो हमारे पायनियर्स होते हैं, पायनियर्स की जो हमारे विड्थ होती है वही हमारे एरिया ऑफ ऑपरेशन कहलाते हैं दोस्तों, जिनको हमें दाबैंक के कॉन्सेप्ट से अवगत कराना है, इसके साथ साथ डेटाबेस ओरिएंटेशन के सेशन में उनको शामिल करके उनकी काउंसलिंग करनी है और उनको स्थापित करना है दोस्तों, ताकि हमारा एक बहुत ही मजबूत आधार यहां से स्थापित हो सके। इसके पश्चात फोरम का जो डेप्थ होता है वो बहुत ही आवश्यक होता है दोस्तों, हमें हर प्रकार के रिवॉर्ड्स
और अवार्ड्स को अर्जित करने के लिए। और इसी प्रकार से हम देखते हैं दोस्तों पेसमेकर्स, जैसे हमने पेसमेकर्स के विषय में भी बात करी थी, पेसमेकर्स दोस्तों आपको डेक्स यहां पर प्रोवाइड किया जाता है पेसमेकर्स के लिए, जहां पर पेसमेकर्स को नॉलेज यहां पर प्रदान की जाती है और किस तरह से आगे स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ना है, कैसे स्टेप्स को लेना है, किस तरह से डेटाबेस का निर्माण और विस्तार करना है, ये सभी की इंफॉर्मेशन एजुकेशन यहां पर हमें मिलती है डेक्स से। यहां पर अब सिनॉप्सिस, यहां पर मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा दोस्तों यहां पर हमें यही दिखता है कि जो पहला फेज, दूसरा फेज और तीसरा फेज, चार फेज दिखाई देते हैं। पहला फेज में हमें क्या दिखता है? पहले फेज में दोस्तों 30 से 60 दिन की अवधि में यहां पर हमें अपने पायनियर्स को एग्जीक्यूटिव इंपीरियल और पेसमेकर्स में परिवर्तित करना होगा। दूसरे फेज की ओर जब चलते हैं तो यहां पर हमें इन ये दिखते हैं रिवॉर्ड्स, क्लब बूस्टर के रूप में गोल्ड मेडल के रूप में रिवॉर्ड दिखते हैं दोस्तों, और गोल्ड की शॉपिंग दिखती है 6 लाख की। ये दूसरे फेज का रिवॉर्ड है। तीसरे फेज के रिवॉर्ड को हम कहते हैं दोस्तों लग्जरियस फेज आप कह सकते हैं, जहां पर आपको गोल्ड रिवॉर्ड 12 करोड़ का मिलने लगता है, फिर फोरम रिवॉर्ड आपको 18 करोड़ का मिलने लगता है, 6 करोड़ की लग्जरी कारें मिलने लगती है। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि थर्ड फेज में ही 36 करोड़ का सोना आपको थर्ड फेज में ही 36 करोड़ का वर्थ आपको यहीं से दिख जाता है। दूसरे फेज को आप यदि और ऐड करेंगे तो ये और हो सकता है। चौथा फेज आपका सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, और यही है आपकी विरासत। आप देख पा रहे हैं ई बिग मॉल, ग्लोबल मॉल, यही आपका चौथा फेज है दोस्तों, जहां पर आप अपने विरासत को स्थापित कर सकते हैं और अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार इनकम को प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए और अर्जित करने के लिए निश्चित तौर पर हमें एजुकेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को थॉरली नहीं जान पाएंगे तब तक हम उसमें स्टेप नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहता हूं, वेलकम टू द यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस। यहां पर सफलता के इस यूनिवर्सिटी में मैं आपका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है NCIL, नेटिजन्स क्रीड इंटरनेशनल लिमिटेड। यहां पर जब आप शामिल होते हैं तो यहां पर हर एक व्यक्ति बॉर्न टू विन की स्टेट पे होता है दोस्तों। यहां पर आप देख पाते हैं ये मदद किस तरह से करता है दोस्तों, ये आपके लिए प्रमोशनल टूल्स उपलब्ध करवाता है, जिसके चलते आपको मदद मिलने लगती है डेटाबेस के विस्तार करने में। इसके साथ साथ में आपको ड्रीम एनहांसमेंट एंड कल्टीवेशन सेमिनार प्रदान करता है आपके पेसमेकर्स के, आपके पायनियर्स के लिए एज ए पेसमेकर इनिशियल लेवल का, जहां पर एक रात और दो दिनों का सेमिनार होता है। इसके पश्चात आपके लिए हाई लेवल का डेक्स ये ऑर्गेनाइज करता है और आपके जस्पर्स को प्रेजेंटेशन स्किल्स को डेवलप करने में ये आपकी मदद करवाता है, 2 रात और 3 दिनों का सेमिनार के साथ। इसके साथ में आप देखते हैं दोस्तों एडवांस लेवल का यहां पर डेक्स प्रोवाइड कराया जाता है NCIL के द्वारा, जहां पर अंबर्स को उनके लीडरशिप के स्किल्स को डेवलप करने में उनकी मदद की जाती है, उनको एजुकेट किया जाता है, 3 रात और 4 दिनों का ये सेशन होता है। इसके पश्चात दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण होता है ड्रीम्स, द बैंक रेंडेवस फॉर एमिनेंस अचीवमेंट मैनिफेस्टेशन। यहां पर दोस्तों किसी भी व्यक्ति को अपने विजन को पूरी तरह से खुल करके विजुलाइज करने का मौका मिलता है ड्रीम पे। तो यहां पर बहुत ही लग्जरियस और शानदार फॉरेन लोकेशंस होते हैं इस ड्रीम में, और ड्रीम के सेशंस में कोई भी व्यक्ति अपने विजन को पूरी तरह से डेवलप कर पाता है, उसे बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों डोंट गिव अप, बिकम अ पेसमेकर। ये पेसमेकर होना यहां की पहली सीढ़ी होती है दोस्तों। जैसे ही आप एज ए पायनियर यहां पर एंटर होते हैं और पेसमेकर के रूप में जैसे ही आप अपने स्टेटस को परिवर्तित कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, तब आपके लिए ये बहुत आसान हो जाता है। आप यहां पर हर प्रकार के रिवॉर्ड्स अवार्ड्स को अर्जित कर पाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहां पर मेरा जो प्रस्तुतिकरण है वो यहां पर समाप्त हो जाता है, और उसी के साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये प्रोजेक्ट दोस्तों इस
प्रकार का प्रोजेक्ट है, इतना शानदार प्रोजेक्ट है कि ये आज तक कभी न जानने को मिला है न कभी ऐसा हमको देखने मिला है कि इस तरह से रिवॉर्ड्स अवार्ड्स और विरासत हमें जो बनाने का अवसर ये दे रहा है, आज तक हम कहीं से सोच ही नहीं पाते हैं। और एक बात आपसे और कहना चाहूंगा कि नॉर्मली एक ही बार की मेहनत के बदले में अनेकों बार फल मिलना और मिलते ही रहना और उसे विरासत में भी छोड़ जाना, ऐसा बहुत ही दुर्लभ होता है दोस्तों। लेकिन डाबैक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड की वजह से ये दुर्लभ संयोग भी आपके हमारे जीवन का सुखद संयोग बन जाएगा। इस बात को हमें बड़ी गंभीरता से लेना होगा। तो दोस्तों एक सवाल आपसे करना चाहूंगा मैं कि हम लोग जैसे अभी विरासत की बात कर रहे थे कि अपने आने वाली पीढ़ियों को हम विरासत दे के जाना चाहेंगे या क्या दे के जाना चाहेंगे, तो उसी पे मैं आपसे बात कहना चाहूंगा कि अपनों के लिए हम लोग यहां पर क्या छोड़कर जाना चाहेंगे। फ्री पोर्टल्स पर टाइम पास की आदत और डिस्काउंट्स वाली व्यर्थ की मानसिकता, या फिर लाखों नेटिजंस की अरबों खरबों की परचेजिंग पावर को चैनलाइज करने वाले एक हाईटेक इंटरनेशनल ई मॉल की शानदार विरासत। इस प्रकार यहां पर मेरा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बहुत कीमती समय देकर के मेरी बातों को पेशेंसली सुना उसके लिए। और मैं अपना माइक हैंडओवर करता हूं माधवी मैडम को। माधवी मैम, ओवर टू यू। थैंक यू। बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन के लिए मैं चाहूंगी दोस्तों एक जोरदार तालियां से थैंक यू भूषण सर के लिए। जी हाँ, बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन था। बहुत बहुत बधाई है सुधांशु सर आपको। थैंक यू मैम। जो दोस्त हैं जो हमारे सीनियर थे वो जानते होंगे कि ये प्रेजेंटेशन बहुत उम्दा था। हाँ, तो इसी के साथ मैं चाहूंगी, इतना कुछ जाना इतना कुछ सुना, तो कुछ लोगों को मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी। जी हाँ, इन कुछ लोगों में हमारे वो शख्सियत हैं जो बहुत शानदार इस प्रेजेंटेशन के साथ, इस प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं, अपना अचीवमेंट बनाते चले जा रहे हैं और हमारे लिए एक गाइडलाइन दी जा रही है। जी हाँ, मैं इसी क्रम में सबसे पहले जो बुलाना चाहूंगी वो है, जी हाँ, अनूपपुर से हैं, बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रोजेक्ट पे एम्बर हैं, आप बहुत जल्दी इन्हें पर्ल के रूप में देखने जा रहे हैं, आरडी पटेल सर को जो गवर्नमेंट जॉब में होते हुए इस प्रोजेक्ट को एज द फ्यूचर, जिनको समझ में आता है कि ये प्रोजेक्ट आज की लाइफ चेंजर है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कोल इंडिया में काम करते हुए प्रोजेक्ट को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों तालियों से स्वागत कर दीजिए आरडी पटेल सर का, सर एक इंपैक्ट की सेशन। थैंक यू माधवी मैडम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आरडी पटेल, अनूपपुर मध्य प्रदेश से, और फ्रेंड्स इस बिजनेस को मैं पार्ट टाइम फैमिली कर रहा हूँ। जब हमें प्रोजेक्ट दिखाया गया था तो पूरा उसका विजन तो नहीं क्लियर हुआ था, विजन जाके क्लियर हुआ जब हम लोग बिग फैमिली ड्रीम थाईलैंड में गए। और आप भी यदि इस बिजनेस को पूरी गहराई से जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं जो कि दिसंबर में होने जा रहा है ड्रीम सिंगापुर, जो हमारा एक फ्रेंड्स द बैंक की तरफ से क्रूज ट्रिप है, और मैं इसे डबल ट्रिप मानता हूँ क्योंकि 3 दिन आप ज़मीन पे बिताने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं, और 3 दिन आप क्रूज पे बिताने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने प्रेजेंटेशन देखा, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे पहली बार अटेंड कर रहे होंगे, तो मैं चाहूँगा कि आप कॉन्सेप्ट पार्ट का ऑडियो ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी पार्ट की चर्चा हो रही थी। सेकेंड थिंग, जो इस बिजनेस को समझने में हमें बहुत जिससे मदद मिली वो 2 डॉक्यूमेंट्री हैं, सिर्फ तुम, जिससे अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला और विरासत, जहां से आपको प्रोजेक्ट को समझने में आसानी होगी। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्री जरूर ले लीजिएगा फ्रेंड्स, साथ में कॉन्सेप्ट पार्ट का इकोनॉमी,
कंसर्ट पार्ट ऑडियो। और थैंक यू फ्रेंड्स, यदि हम कर सकते हैं तो बिलीव में यहाँ पे जितने भी बैठे हुए लोग हैं सब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच और सभी को नमस्कार। करियर सर के लिए, जी हाँ, ये स्पिरिट है कि हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, ऐसे ही क्रम में आगे बुलाना चाहूंगी। जी हाँ, एक और शानदार लीडर है, प्रेजेंटर है, बहुत ही बेहतरीन पोजीशन पे है, कोल इंडिया में शेड्यूल से बिलोंग करते हुए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे इन्होंने अपने आप को पार्ट टाइम पे स्थापित करते हुए, जी हाँ, ये इस प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ पे एम्बर है, बहुत जल्दी पर्ल के रूप में आपको नजर आएंगे। मैं बुलाना चाहूंगी आरएल बुनकर सर को। बुनकर सर, प्लीज एक बार एक इंपैक्ट स्टेटमेंट जोरदार तालियों के साथ बुनकर सर का स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद माधवी मैडम, मुझे इस बड़े प्लेटफॉर्म में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए। दोस्तों, आज आपने बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन देखा, एनसीआईएल की तरफ से जो नया प्रेजेंटेशन आया है, सुधांशु भूषण सर ने बहुत ही शानदार तरीके से उसको प्रेजेंट किया। और दोस्तों, आप अभी आप सुन रहे थे कि एनसीआईएल ने एक नया ऑडियो लॉन्च किया है, बहुत ही शानदार है, तो आधा काम आपका आसान हो गया है। अब हम यहाँ पर सिर्फ इकोनॉमी पार्ट की चर्चा करते हैं, रिवार्ड अवार्ड की चर्चा करते हैं और स्टार्टअप की चर्चा करते हैं, स्टार्टअप कैसे करना है। तो स्टार्टअप में आपने देखा कि यदि आप पेस मेकर होते हैं तो आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलते हैं, और यही यदि आप डुप्लीकेशन करते हैं आपके फोरम ए और फोरम बी में पाँच पाँच पेस मेकर लाते हैं तो आप ड्रीम सिंगापुर जा सकते हैं। और ड्रीम सिंगापुर के बारे में आपने सुनी लिया, पटेल साहब ने बहुत ही शानदार बताया कि डबल ट्रिप है, आधा जमीन पे आधा पानी पे, तो ये बहुत ही शानदार मौका रहेगा। और ये नवंबर तक इसका टारगेट है, बहुत छोटा टारगेट है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, यदि हम थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। तो निश्चित ही मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पर जो नए लोग हैं वो भी स्टार्ट करके और सिंगापुर चल सकते हैं। तो थैंक यू मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे एसेंशियली सुना आपने। ओके सर, मैं आपका माइक एक जोरदार तालियां आरएल बुनकर सर के लिए। थैंक यू सो मच। मैं आगे बढ़ते हुए एक और शानदार लीडर, एजुकेशन वाइज इंजीनियर है, प्रोफेशनली रियल एस्टेट पे काम करते हुए नागपुर महाराष्ट्र से इस बिजनेस में उतरे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से इस बिजनेस को करते जा रहे हैं। जी हाँ, ये एम्बर हैं, बहुत जल्दी पर्ल बनने वाले हैं। मैं तालियों से स्वागत करना चाहूंगी आशीष के नागपुर से। जी हाँ आशीष सर, प्लीज। माधुरी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, जैसे कि आज माधवी मैडम ने बताया कि मैं इंजीनियर की पढ़ाई करते हुए रियल एस्टेट में अपना प्रोफेशन रखते हुए आज दाबेंग बिजनेस में अपनी विरासत बना रहा हूँ। ये बात सत्य है कि मैं विरासत बना रहा हूँ, लेकिन विरासत बनाने की पॉइंट भी स्टार्ट हुई थी इसी तरह से एक दिन प्रेजेंटेशन देख करके ही। उस दिन मुझे दो बातें क्लियर हुई थी, पहला कि यहाँ पर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि अलग अलग सोशल मीडिया की सर्विसेज को एक ही प्लेटफॉर्म पर हमको इंटीग्रेट करके दे रहे हैं ईओनेट के माध्यम से, और इस ईओनेट के फीचर्स को जानकर समझकर यूज करते हुए इस ईओनेट एप्लीकेशंस का एडवर्टाइजमेंट ही हमें हमारे कॉन्टैक्ट पर करना है और उस कॉन्टैक्ट को हमारे डेटाबेस में चैनलाइज करना है दाबेंग के माध्यम से, और यही चैनलाइज डेटाबेस मेरी विरासत बनाता है वन ऐप से। और मेरी ही नहीं, मेरे साथ आ रहे मेरे बिजनेस पार्टनर्स की विरासत बनाने के लिए मुझे मदद करता है, और मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं वर्ल्ड के हर एक व्यक्ति तक खुद होकर यह अपॉर्चुनिटी दे सकता हूं दाबेंग के माध्यम से, इओन नेट के सपोर्ट से। और मैंने ये जान करके इस बिजनेस में स्टार्ट किया, पेस मेकर बना, पेस मेकर बनकर मैंने इस बिजनेस में
यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस NCIL में प्लग इन हुआ और प्लग इन होकर के मैंने अपने साथ आ रहे मेरे बिजनेस पार्टनर्स को भी NCIL के माध्यम से प्लग इन करने का काम कर दिया पेसमेकर बना करके, और इसी तरह से आगे बढ़ते 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 मेरा डेटाबेस का निर्माण होता चला गया और मैं यहाँ पर अचीवमेंट पा करके मेरे साथ आ रहे नेटिजन्स का भी अचीवमेंट लगने लगा और मेरे साथ आ रहे नेटिजन्स भी एक अच्छी अर्निंग को पा रहे हैं, एक अच्छे अचीवमेंट्स को पा रहे हैं। इस बात से मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं मेरे साथ आ रहे बिजनेस पार्टनर्स के लाइफ में एक अच्छे पल को लेकर के आ पा रहा हूँ, एक विरासत बनाने के लिए उनका मौका देकर उनकी विरासत का निर्माण कर पा रहा हूँ, और ये सब कुछ पॉसिबल हो गया बैंक मैनेजमेंट के माध्यम से, सिस्कॉम मैनेजमेंट के माध्यम से और NCIL के सपोर्ट से। और मुझे विश्वास है कि आज जो भी यहाँ पर इस प्रेजेंटेशंस को पहली बार देखे हैं, आप सभी को भी एक बार जिन्होंने भी आज आमंत्रित किया है अपना समय निकाल करके 20 से 30 मिनट जरूर बैठना चाहिए उनके साथ और उस बात को समझना चाहिए कि पीस मेकर ही इस बिजनेस की जो कड़ी है ये कैसे बनेगी और कैसे स्टार्ट होगी। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम जरूर मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे, फिजिकल मिलेंगे ड्रीम सिंगापुर में। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई का। जी हाँ, हम सब मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, ड्रीम सिंगापुर में मिलेंगे। बहुत उम्मीद है क्योंकि दाबेंग की फैमिली जब से मैं जुड़ी हूँ तब से फिजिकली किसी से मिल नहीं पाई हूँ, तो बहुत इच्छा है कि ये हो और बहुत जल्दी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ एक और शानदार लीडर को बुलाते हैं। जी हाँ, इस प्लेटफॉर्म पे दाबेंग प्रिंसेस कहलाती है, महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, अब भी इस प्लेटफॉर्म पे एमएल है, बहुत जल्दी पल की कैटेगरी में उतरने वाली है। मैं तालियों से स्वागत करना चाहूंगी ज्योति मैम का। ज्योति मैम प्लीज माइक पे आइए और एक इंटरव्यू। हेलो, हाय ज्योति मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो मैम, स्टिल आवाज नहीं आ रही है, ईयरफोन शायद। स्टिल नो मैम। सॉरी, हम मैम की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, सॉरी टेक्निकल इश्यू है। चलिए दोस्तों, मैम को हम फिर सुनेंगे और शानदार तरीके से सुनेंगे क्योंकि मुझे पता है कि मैम बहुत शानदार इम्पैक्ट स्टेटमेंट देती हैं। बस आज कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण उनसे हम बातें नहीं कर पा रहे, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगी। अब वक्त भी हो चला है तो बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे अचीवर्स हमारे साथ हैं। मैं दोस्तों उनसे सॉरी बोलना चाहूंगी जिनका मैं इम्पैक्ट स्टेटमेंट नहीं ले पाई हूँ, उनका शुक्रिया करना चाहूंगी जिनका इम्पैक्ट स्टेटमेंट आया है। मुझे लगता है अगर कोई फर्स्ट टाइमर है तो उनके लिए एक हेल्पफुल सेंटेंस होंगे इम्पैक्ट स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए। इसी के साथ मैं इस सत्र को समाप्ति की तरफ लेके जाना चाहूंगी। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकाल के इस प्रेजेंटेशन पे आने के लिए। हम फिर कल मिलेंगे अगेन इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी टाइम पे, एक नए स्पीकर, एक नए लीडर के साथ, एक नए अंदाज से इस प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए। तब तक आप सब के लिए शुभ रात्रि, सेफ साउंड, हेल्दी रहें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।